हेलो नमस्कार दोस्तों, 3 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो मेनली आया है फोगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2018 के बारे में। तो इस बिल को लेकर जो पॉइंट्स आए उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने सुबह प्रीलिम्स अपडेटर के वीडियो में भी इसके बारे में 2-3 पॉइंट देखे थे, तो अब यहाँ पे इस आर्टिकल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो डिस्कशन हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर करते हुए जा रहे हैं। तो देखो जो फोगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2018, इसको कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल है वो मिल गया है। अब यह पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और जब यह एक्ट बन जाएगा तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रावधान हैं जो हमारे देश में जो लोग भगोड़े लोग होते हैं, जैसे कि विजय माल्या जैसे लोग हैं जो कि काफ़ी इकोनॉमी के जैसे कुछ क्राइम करके चले जाते हैं बैंकों वगैरह के साथ, उन सबको फिर यहाँ पर अपराधीकरण वगैरह में काफ़ी हेल्प है वो मिलेगी। तो मेरे लिए फोगेटिव का मतलब होता है भगोड़े जो लोग होते हैं उनके बारे में। अब देखो इस बिल में क्या क्या प्रावधान हो देख लेते हैं। इस बिल में सबसे अच्छा प्रावधान एक तो ये है कि भाई जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर होता है वो अगर भाग गया तो उसको सबसे बड़ा आता है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो क्रूक की जाएगी। देखो पहले ये होता था कि क्रूक करने के लिए काफ़ी सारे एक्ट है, जैसे इंडियन पेनल कोड में भी एक्ट था, ऐसी बात नहीं है। सेबी के द्वारा भी कुछ एक्ट थे, कंपनीज एक्ट के तहत भी थे, मतलब एक्ट तो काफ़ी सारे बनाए हुए थे कि भाई उनकी संपत्ति वगैरह वो जब्त की जाए। बट होता क्या था, उनमें काफ़ी कुछ कमियाँ थी, मतलब उनमें काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि जहाँ से वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते थे और फिर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप उठाए कि भाई जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर होता है उसका सारा जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी जब्त की जाएगी, चाहे इंडियन पेनल कोड के तहत हो किसी भी तहत हो, मतलब जितना भी सारा काम है उसकी प्रॉपर्टी सारी जब्त की जाएगी। सबसे अच्छा एक तो है कि जितनी भी संपत्ति है वो कुर्क की जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट उसका जितना भी पैसा है उससे जितने भी लोग उसके जो लोन वगैरह मतलब इंटरेस्ट का पैसा है वो चुकाया जाएगा। एक इसमें प्रावधान ये किया गया है कि भाई जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर होगा उसकी लिमिट रखेगी कि भाई मिनिमम 100 करोड़ का होना चाहिए, कि मतलब हमारे देश की इकोनॉमी 100 करोड़ है, 100 करोड़ से ज़्यादा का अगर नुकसान चुना लगाया जाता है तो उसकी संपत्ति है वो जब्त की जाएगी, चाहे किसी भी तरीके हो, चाहे डायरेक्ट संपत्ति हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, या फिर चाहे बेनामी संपत्ति हो, मतलब सारी प्रॉपर्टी हैं वो जब्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप विजय माल्या के लो, जैसे विजय माल्या ने लोन लिया किंगफिशर कंपनी के लिए और उसके बाद अगर उसकी वो कंपनी लॉस में चली गई और विजय माल्या भाग गया तो विजय माल्या की दूसरी कंपनी जो प्रॉफिट में जा रही है उसको भी गवर्नमेंट कैप्चर कर लेगी, मतलब उस इंसान से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां जितनी भी प्रॉपर्टी जो कि सारी कैप्चर की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि केवल पर्टिकुलर उसी कंपनी की, गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया कि भाई है तो उसी इंसान की प्रॉपर्टी ना, तो उसी इंसान की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो जब्त की जाएंगी। बेनामी संपत्ति का मतलब ये होता है, देखो कई बार क्या होता है कि जो बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह जो बड़े जो 2 नंबर का ब्लैक मनी का काम वगैरह करते हैं ये लोग क्या करते हैं कि अपने या तो किसी फर्जी नाम के ऊपर फालतू का मतलब झूठा मूठा नाम बनाया और उसके आधार पे अपनी इस प्रॉपर्टी को दिखा देते हैं कि भाई ये आदमी है, जबकि रियल में उस आदमी कोई होता नहीं है और खुद उसी के नाम पे सारे काम खुद करते रहते हैं, क्योंकि बैंकों वगैरह से इनकी सब पहचान होती है। या फिर कई बार ऐसा करते हैं कि अपने नौकर वगैरह किसी दूसरे के नाम पर संपत्ति कर देते हैं, जबकि रियल में नौकर वगैरह को पता ही नहीं होता कि भाई उसके नाम पर संपत्ति वगैरह है क्या, सारा काम रेगुलेट करते हैं खुद ही। तो इसी तरह की बेनामी संपत्ति होती है वो भी सारी जब्त है वो की जाएगी। बट यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि चलो अच्छी बात है कि बेनामी संपत्ति वगैरह जब्त की जाएगी, बट बेनामी संपत्ति अगर जब्त की जाती है तो उसमें लीगल चैलेंजेस सामने आएंगे और दूसरी बात है कि थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। देखो आप एक सीधा सा एग्जांपल ले लो विजय माल्या के, चलो कि विजय माल्या का केस है, अगर विजय माल्या ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी है वो बेनामी संपत्ति के तहत अपने अगर नौकर को ट्रांसफर कर दी है, मान लो कि उसका गाड़ी का ड्राइवर उसको अपनी फर्जी संपत्ति उसके नाम करके, क्योंकि नौकर को नहीं पता है, बट देखो जब सारा मामला गवर्नमेंट के सामने आएगा तो नौकर के मन में ऑब्वियसली लालच आएगा कि विजय माल्या तो है नहीं, वो तो देश छोड़ के भाग गया, तो क्यों ना उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है तो मैं बोल दूँ कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, विजय माल्या की नहीं है, ताकि इतने सारे पैसे मेरे को मिल जाएंगे। तो इसलिए थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व हो गए और यहाँ पे लीगल चैलेंजेस भी सामने आ गए हैं। तो इन सारे केसेस में गवर्नमेंट को काफ़ी दिक्कत आएगी। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो इस तरह ऐसे मामले में गवर्नमेंट को बहुत सारी दिक्कत आने वाली है, तो उसका भी कुछ क्लियर प्रावधान है वो करना होगा। इसके बाद में बात ये आती है कि बात ऐसी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, चाहे एक्ट कानून कैसा ही बनो, ऐसा नहीं हो कि भाई किसी इंसान, कई बार क्या होता है हो सकता है कि नौकर की रियल प्रॉपर्टी हो जबकि गवर्नमेंट उसे मानती हो कि भाई ये बेनामी प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसी कंडीशन में नौकर के जो इंटरेस्ट हैं वो हर्ट हो जाएंगे। तो राइटर ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट का ऊपर फोकस करना होगा। इसके बाद में बात की आती है कि कई बार कन्विक्शन में काफ़ी लेट हो जाती है, तो राइटर ये कहते हैं कि जब कन्विक्शन होता है ना, कन्विक्शन के टाइम पर क्या होता है कि कोर्ट पहले ही बोल देगी कि भाई प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए। पहले ही होता था कि जब कन्विक्शन होता था उस टाइम के उसके बाद गवर्नमेंट वगैरह जो भी बैंक वगैरह वो उसकी प्रॉपर्टी जब्त करते थे, बट अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि कन्विक्शन से पहले ही प्रॉपर्टी जब्त कर, मतलब जब मामला सामने आया उस टाइम ऑन द स्पॉट उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए, ताकि प्रॉपर्टी में कोई भी हेराफेरी वगैरह ना की जाए। एक इसमें यह प्रावधान किया गया कि जिस भी इंसान का जो भी भगोड़ा हो जाता है इसके लिए 180 डेज का उसको टाइम दिया जाता है, कि गवर्नमेंट ने इस बिल में यह प्रावधान किया है कि भाई जैसे जब भी उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी
इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको 180 दिन का टाइम दिया जाएगा कि वो 180 दिन में वापस अगर फॉरेन है तो इंडिया आके अपना जो भी लोन वगैरह है वो सारा चुका वुका दे, ताकि उसको दिक्कत ना हो, उसकी प्रॉपर्टी सेल ना हो। अगर 180 दिन में वो नहीं आएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी बेच के सारा पैसा वसूलेगी। बट राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत तो एक तो ये आती है जैसे विजय माल्या के केस में थी कि गवर्नमेंट क्या कि प्रॉपर्टी सेल करने की बात करती है, बट गवर्नमेंट जिस रेट पर प्रॉपर्टी सेल करना चाहती है उस रेट पर मार्केट में कोई खरीदार नहीं होता है। मतलब जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है जितना गवर्नमेंट का लोन होना चाहता है। तो ऐसे मामलों में गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस जाता है बैंकों वगैरह को, तो उसके लिए कुछ प्रावधान नहीं है। तो गवर्नमेंट को एक तो जो डिफॉल्टर वगैरह लोग हैं ना इनके लिए कुछ स्टेप उठाने होंगे। इसके बाद में बात ये आती है कि इंप्लीमेंशन की, कि इंप्लीमेंशन का पॉइंट ऐसे आता है कि देखो जो भी गवर्नमेंट है ना रूल रेगुलेशन तो काफ़ी बनाती है, ऐसी बात नहीं है पहले भी एक्ट नहीं थे, एक तो पहले भी से, तो गवर्नमेंट को एक तो जो भी रूल वगैरह बने हुए ना पॉलिसी वगैरह इनको इंप्लीमेंट ढंग से करना होगा। मतलब इंप्लीमेंशन में कोई भी लोचा वो नहीं आना चाहिए, वहाँ कोई दिक्कत है वो नहीं आनी चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आर्टिकल है वो मेनली जेनेटिक्स डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, मतलब जीन के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके बारे में यहाँ ये आर्टिकल है। तो इसमें जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। देखो इस बिल इस आर्टिकल में मेरे दो तीन पॉइंट हैं, और एक हमने अभी दो तीन दिन पहले केस हिस्ट्री भी डिस्कस की थी कि दिल्ली हाईकोर्ट में केस गया था हार्ट का, जिसमें यह प्रावधान था कि भाई जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर एक हार्ट के पेशेंट का केस था, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया कि भाई आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसकी वजह से आपकी जो बीमारी है वो हमारे जो प्लान एंड पॉलिसीज में उसके इंक्लूड नहीं आ रही, इसलिए हम आपको जो अपना कंपनसेशन या जो भी मुआवजा है वो हम आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। बात थी ऐसी, तो इसी को लेके सारा मामला वो सामने आया था। अब देखो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि भाई जीन के आधार पर जो भेदभाव होता है वो ये किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। जैसे कोई भी एक इंसान है उसको फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि उसके पेरेंट्स है उसको स्टार्टिंग से कोई जीन का डिसऑर्डर हो, तो उसकी वजह से कोई भी उसको म्यूटेशन वगैरह कोई ऐसी डिजीज हो जो कि जीन की वजह से हो, तो उसको कहते हैं जीन के आधार पर मतलब जेनेटिक्स। अब देखो होता है कि कई बार कहेंगे प्राइवेट कंपनियां क्या कह देती हैं, हवाला देते हैं झूठा ही कि भाई देखो आपको जेनेटिक्स बीमारी है इसलिए हम इस बीमारी को हमारी पॉलिसी में इंक्लूड नहीं करते हैं और इसकी वजह से हम आपको क्लेम वगैरह नहीं देते हैं। तो ऐसा ही मामला था दिल्ली हाईकोर्ट के सामने। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको पता है क्या डिसीजन दिया था, जैसा मैंने आर्टिकल में डिस्कस भी किया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बात ऐसी नहीं है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है और आपके प्लान या पॉलिसी में नहीं है, बात इस मुद्दा इस बात का है कि भाई हेल्थ है, राइट टू हेल्थ है, वो सबका अधिकार है, हमारे आर्टिकल फंडामेंटल जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 उसके तहत सीधी सीधी बात ये आती है कि भाई हर इंसान का अधिकार है कि वो अपनी राइट टू हेल्थ की तरफ फोकस करें, इसलिए आप ये मना नहीं कर सकते कि भाई आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है इसलिए हम आपकी जो कंपनसेशन मुआवजा है वो नहीं दे रहे हैं, आपको जितना भी पेमेंट है वो सारा वापस करना होगा। ये डिसीजन दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ की बात था। अब देखो यहाँ पे फिर राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जीन के आधार पे भेदभाव वो ऐसी बात नहीं कि इंडिया में हो रही है, भेदभाव काफ़ी पहले से होता आ रहा है। हिटलर का एग्जांपल देता है कि देखो हिटलर क्या करता था, आपको पता है कि हिटलर है उसने जूज का काफ़ी एक तरह जूज को काफ़ी उसने दबाया वबाया, जूज के जो कैंप वगैरह थे उनको काफ़ी मारा पीटा, मतलब जूज लोगों को उन्होंने काफ़ी भारी संख्या में तबाही कर दी। हिटलर ये कहता था कि जो हिटलर जो आर्यंस लोग हैं वो एक्चुअली प्योर है, मतलब आर्यन शुद्ध लोग हैं जबकि जूज हैं वो अशुद्ध है, मतलब उनके जीन्स हैं उन्होंने म्यूट वगैरह की वजह से बने इसलिए जूज लोग हैं वो प्योर नहीं है। इसलिए आर्यन हिटलर क्या करता था जूज लोगों के जो भी कैंप थे जूज लोगों की जो भी कॉलोनी वगैरह थी वहां पे उनकी नसबंदी वगैरह कैसे भी करके उनको मतलब मारा जा रहा था, ये सिस्टम होता था हिटलर के द्वारा। मतलब बात यहाँ पर राइटर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हिटलर के द्वारा भी जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जाता था, खूब बढ़ाया गया था। बात आती है 1990 के टाइम पे यूएसए की, मतलब 1990 के दशक में यूएसए ने भी काफ़ी आगे जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन को आगे बढ़ाया था, उस टाइम पे वहाँ पे भी प्रॉपर लॉ नहीं थे। फिर एक बात आती है वो आता है कॉर्पल टर्मिनल सिंड्रोम के बारे में। तो ये देख लेते हैं कि कॉर्पल टर्मिनल सिंड्रोम है क्या। हाँ, कॉर्पल टर्मिनल सिंड्रोम में ये होता है कि भाई इसमें हमारी जो हाथ पैर हाथ होते हैं ना मेरे वो सुन हो जाते हैं, मतलब हाथ काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा केस हुआ ये था कि यूएसए में कि जो वहाँ की एक कंपनी थी उस कंपनी ने क्या कि अपने जो भी वहाँ पे वर्कर्स थे एम्प्लॉय थे उन सबका ब्लड टेस्ट करवाना शुरू कर दिया। अब ब्लड टेस्ट जो ये सिंड्रोम है कॉर्पल टर्मिनल सिंड्रोम है इसका पता चल जाता है। अब इसमें मतलब बात क्या हुआ, कंपनी ये देखना चाह रही थी कि हमारे किस भी कौन ऐसा एम्प्लॉय है जिसको ये सिंड्रोम की बीमारी है, मतलब कंपनी ये चाह रही थी कि भाई जिस भी इंसान को ये बीमारी है उस इंसान को हम हमारी कंपनी से निकाल दें ताकि फ्यूचर में अगर उसके हाथ पैर सुन हो गए काम करते करते तो हमें उसको मुआवजा वगैरह नहीं देना पड़े। तो राइटर कह रहे हैं कि जब ये केस वहाँ पे सामने आया था कि भाई नौकरी से ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा तो वहाँ पे कुछ कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था, ये सारा मामला। इसके बाद में यूएसए ने वहाँ पे एक्ट बनाया गीना एक्ट। गीना एक्ट क्या था, वो था जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, बनाया था 2008 में। तो राइटर कह रहे हैं कि इंडिया को भी इसी तरह पे एक्ट बनाना चाहिए ताकि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये भेदभाव ना कर सकें। अब देखो इंश्योरेंस कंपनियां भेदभाव कैसे करते हैं एक बात वो देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों का मेनली काम क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनियों का मेन काम होता है कि जैसे
ये मान के चलो कि इन्होंने 100 लोगों का इंश्योरेंस किया, वैसे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में इंश्योरेंस होते हैं, 100 लोगों से जैसे इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठे किए। अब आपको पता है कि ओब्वियसली 100 के 100 लोग तो साल भर में बीमार होने से रहे, मतलब उनको हैवी डिजीज होने से रही, तो ऐसे मामलों क्या होगी, एक या दो लोग बीमार होंगे तो उनको वहाँ से पैसा वो मतलब रिटर्न करके दे जाता है। ये सिस्टम होता है कि 100 लोगों से 10-10 हज़ार रुपये ले लिए, फिर एक इंसान या दो तीन जो भी बीमार हो गए उनको जितना भी उनका कंपनसेशन होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, और कुछ पैसा आपका अपना जो प्रॉफिट है वो अपने पास रख लेती है। ये इनका सिस्टम होता है। आप बेसिक सी बात आप एक देख सकते हो कि मतलब बीमार होने वाले लोगों की संख्या वो काफ़ी कम होती है। अगर ये जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, अगर ये सभी लोगों का टेस्टिंग वगैरह करवाने लग गई पहले से ही, और जिन लोगों के मतलब हेल्थ ठीक नहीं है, जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर उनको ये हेल्थ सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो मतलब क्या हुआ कि इनको सारा प्रॉफिट होगा, किसी के पास खर्चा करेंगे नहीं, तो इस कंडीशन में तो ऑब्वियसली ये जो कस्टमर है उसके इंटरेस्ट को नुकसान करें ना। मतलब ये हेल्दी लोग हैं उन्हीं की इंश्योरेंस करी। अब आप तो देख सकते हो कि अगर हेल्दी लोगों का ये इंश्योरेंस करनी है मतलब बीमार होगा कौन, तो मतलब इनको पैसा तो देना नहीं होगा और ये अपना सिर्फ सारा रिटर्न ही रिटर्न देखेंगे। तो ऐसे मामलों में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अपनी मनमानी करते हैं, और एट्रे करें कि आजकल जो बीमा कंपनीज है ना, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज, ये क्या करती हैं, जीन की टेस्टिंग वगैरह करवा के इस तरीके के अंजाम देते हैं कि भाई अच्छा इस पेशेंट को कोई बीमारी है तो इसलिए इसकी हम इंश्योरेंस करते ही नहीं है, ताकि मामला ही खत्म हो। अगर इंश्योरेंस करते हैं तो बोल देंगे कि भाई ये डिजीज़ है आपकी, ये तो हमारी पॉलिसी के तहत इंक्लूड नहीं होती है, तो उसका मुआवजा हम आपको नहीं दे सकते। मतलब साफ बात है कि अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हैं, खर्चा करना नहीं चाहती हैं। तो आजकल इस तरीके की टेंडेंसी वो बढ़ रही है। तो राइटर लास्ट में कह रहे हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट आया था यूएसए में, गीना एक्ट आया था, सेम उसी तरीके से इंडिया में भी एक्ट की लाने की एक जरूरत है। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आर्टिकल है ट्राइबल वेलफेयर के बारे में, यह मेनली GS3 और GS4 के केस स्टडी में भी यूज हो सकती है, तो इसमें देख लेते हैं GS2 का जो पॉइंट है वहाँ पे भी इसका कुछ पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। देखो इस आर्टिकल में मेनली केस स्टडी आई है वो आई है केरल की। केस स्टडी में क्या है वो आपको बता देता हूँ। केरल में एक ट्राइबल इंसान था, मतलब ट्राइबल पर्सन था, जिसका नाम था मधु। मधु की क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। अब उसकी वजह से फिर मामला काफ़ी संज्ञान में हुआ कि उसके साथ कुछ लोग सेल्फी रहते, कुछ लोगों ने उसकी पेंटिंग वगैरह बना के वायरल मतलब YouTube पे आ गई थी, Facebook वगैरह पे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। तो राइटर ये कहेंगे देखो पिक्चर वायरल हुई तो ऐसा नहीं कि बस पिक्चर ही वायरल हुई है, वो पिक्चर वायरल हुई तो काफ़ी कुछ बयां करके गई थी वो पिक्चर। ऐसा नहीं कि केवल सिर्फ वो पिक्चर थी, उसने हमारी सभ्यता, उसने हमारे इंडियन कल्चर, हमारे बिहेवियर, हर चीज़ को शो किया कि हम कैसे लोग हैं, हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, आज भी हम कितनी पुरानी पीछे की बातों के ऊपर मतलब उन बातों की तरफ जा रहे हैं, जबकि आज हम अगर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और पीछे आज भी हम उन सड़ी गड़ी जो प्रथाएं उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो दो तीन पॉइंट आते हैं कि ये घटना शर्मनाक क्यों है हमारे लिए। फिर राइटर कह रहे हैं कि ये घटना हमारे लिए शर्मनाक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि केरल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना वो इंडिया में सबसे अच्छा है, मतलब इंडिया में HDI इंडेक्स है वो केरल का सबसे अच्छा है। उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर ट्राइबल एरिया में ऐसे काम हो रहे हैं तो वो काफ़ी शर्मनाक बात है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का ही है कि केरल में जो ट्राइबल पॉपुलेशन वो बहुत कम है, जैसे कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा वगैरह में तो कहें ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि केरल में तो ट्राइबल पॉपुलेशन वो अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास है। तो अगर उस कंडीशन में भी वहाँ पर ट्राइबल के ऊपर इस तरीके से अत्याचार होने हैं, वो भी आज के टाइम पे, तो वो बहुत गलत बात है। मतलब आज की इरा के अकॉर्डिंग ये बातें बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। देखो अंग्रेज लोग करते थे वो एक अलग बात थी, बट आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में अगर इस तरीके के काम होते तो बहुत शर्मनाक बात होती है। मतलब राइटर सीधी सी बात ये करेंगे कि भाई आज़ादी के बाद इतना शर्मनाक काम नहीं हुआ जो आज इस बार हुआ है। इसके बाद में राइटर करें तो वो सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये है कि भाई ऐसा नहीं कि हमारे देश में कानून नहीं है, कानून बहुत अच्छे बनाए गए हैं, बट कानून को इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। दूसरी बात क्या है, लागू नहीं किया जाता है और उनके साथ उनकी टाइम टू टाइम ये नहीं देखा जाता है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती कि भाई कानून में कमियाँ कहाँ हैं, मतलब कानून को प्रॉपर ढंग से उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती, ये सारी कमियाँ सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। ऐसी बात नहीं कि कानून की वजह से हर चीज़ का समाधान हो सकता है, बहुत सारे स्टेप हमें खुद को भी उठाने होंगे, डेवलपमेंट के इश्यू बात है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब देखो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्राइबल एरिया को सोशल सपोर्ट करना, इसके साथ इकोनॉमिक सपोर्ट करना ही, ऐसा नहीं कि हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग देखो हमारी सोसाइटी में आज पता क्या सोचते हैं, कुछ लोग आज ही सोचते हैं कि भाई ट्राइबल एरिया को जो हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर दे रही है ना, जो भी उनके लिए राहत कार्यक्रम चला रही है, वो एक उनके लिए बर्डन है, मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर फालतू खर्चा करिए, गवर्नमेंट को ट्राइबल एरिया पर ऐसा खर्चा नहीं करती। बस यही हमारी एक ऐसी इतनी बेकार सोच है जिसकी वजह से ट्राइबल एरियाज इतना पीछा रह गए हैं। देखो बात ऐसी है कि ट्राइबल एरिया के उनके अपने अधिकार हैं, ट्राइबल एरिया है उनका कल्चर हमसे बड़ा नहीं है, हमारा कल्चर और ट्राइबल एरिया का कल्चर बिल्कुल सेम है, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा तरीका डिफरेंस है। उनका जैसे रहने का तरीका अलग है, उनका खाना पीने का तरीका अलग है, ट्राइबल से उनमें ऐसा नहीं है कि वो लोग छोटे हैं हम बड़े हैं या वो छोटे, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ट्राइबल एरिया है, उनके पास एक तो लैंड नहीं है। देखो सीन है क्या,
मैक्सिमम जो ट्राइबल एरिया वो क्या रहते हैं, गांव गांव का मतलब यह कि गांव वाले एरिया में या फॉरेस्ट वाले एरिया में रहते हैं। बट आज आपको बताया कि फॉरेस्ट एरिया में डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, तो मतलब बात साफ सी है कि पेड़ों को काटा जा रहा है तो उन लोगों को रहने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब ऑब्वियसली उन लोगों को भी रहने में दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको दूसरी जगह पुनर्स्थापित कर देती है कि भाई आप दूसरी जगह सेटलमेंट हो जाइए। बट आपको पता है कि वो दूसरी जगह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एक तो देखो जंगल में तो वो अपने एकांत में रहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर वहीं वो किसी बस्ती वगैरह में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ उनका कल्चर मेच नहीं खाता है, तो इसलिए उन्हें काफ़ी शर्मनाक फील, थोड़ा शर्म से फील होती है कि यार देख ये लोग हमसे सुप्रीम है ऐसे हैं, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं है, उनका कल्चर डिफरेंट है। उन लोगों को एक्चुअली लोग हैं मतलब बड़े तिरस्कार की नज़र से देखते हैं, वो हमारी बहुत गलत बात है। फिर यहाँ पे डायरेक्टर एक चीज़ ये और बता रहे हैं कि हमारे देश की जो 8.6% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल एरिया मतलब ट्राइब पॉपुलेशन है, उसके बाद भी डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी कुछ ना कुछ कमी है, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद हमारी सोच और हमारे काम करने का तरीका कि हम ट्राइबल एरिया को काफ़ी नीचा देखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें हमारी सोच वगैरह में बदलना होगा। इसके बाद में ऐसी आती है कि डेवलपमेंट का जो भी बोझ होता है ना वो ट्राइबल एरिया पर आता है। ट्राइबल एरिया पर क्यों आता है, कि अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई मैक्सिमम डेवलपमेंट के काम है वो होते हैं फॉरेस्ट वाले एरिया में, और फॉरेस्ट वाले एरिया से ट्राइबल को क्या कर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसे माहौल में बेचारे ट्राइबल वाले लोग जाएंगे कहाँ, अगर दूसरी जगह जाएंगे तो ऑब्वियसली वो अलग अलग फैल जाएंगे, अलग अलग फैलेंगे तो अपनी कल्चर वगैरह को छोड़ देंगे, अपनी आजीविका के लिए इधर उधर भागेंगे, क्योंकि देखो उनको अगर जंगल में रहते हैं तो अपनी आजीविका अपने तरीके से चलाते हैं, बट अगर वहीं वो अगर किसी कम्युनिटी या किसी दूसरे समुदाय में रहने लग जाएंगे तो अपनी आजीविका के लिए क्या तो कोई दिहाड़ी करेंगे या फिर कोई मजदूरी करेंगे, तो वो अपनी जो मेन जो कल्चर है उसको छोड़ देंगे, मतलब अपनी मेन सोसाइटी के साथ उनका भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। इवन उनको स्कूलों में भी ढंग से फैसिलिटी नहीं दी जाती है, स्कूलों में स्कूलिंग वगैरह की बात आती है, मतलब हर लेवल पे साथ ट्राइबल एरिया के साथ भेदभाव है वो होता आ रहा है। फिर यहाँ पे एक राइटर बहुत अच्छी बात करें, वो ये कहते हैं कि जो ट्राइबल कल्चर है ना और जो इकोस्फेयर है, इन दोनों का ही ट्राइबल लोग पार्ट है, मतलब ट्राइबल लोग आदिवासी लोग हैं वो हमारे कल्चर का ही एक पार्ट है और हमारे इकोस्फेयर का एक अहम पार्ट है, ध्यान रखना एक अहम पार्ट है, ना कि वो अलग हैं। ये हमारी सोच है ना, ये हमें बदलनी होगी। इसके बाद में बात यह थी कि ट्राइबल है उनको अपने लैंड से हटाना सबसे बड़ी गलती है, तो गवर्नमेंट को एक तो उनके लैंड वगैरह से नहीं हटाना चाहिए। इसके साथ ही बात यह थी कि जो आज के टाइम पे जो कानून है वो सारे धरे के धरे रह गए, इसलिए गवर्नमेंट ये कह रही है, राइटर ऐसा कहना कि गवर्नमेंट को एक इफेक्टिव एक्शन लेना है, मतलब गवर्नमेंट को सबसे बड़ी बात ये कुछ ऐसे एक्शन लेने होंगे ताकि ट्राइबल एरिया को सोल्यूशन से अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वो मिल सकें। तो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और जो क्वेश्चन है वो आपको वेलकम यूपीएससी की जो वेबसाइट है वो मिल जाएगा। एक्चुअली कल क्वेश्चन अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने इवनिंग में अपलोड किए थे, तो एक बार आप क्वेश्चन से कल के भी देख सकते हो, और आज की जो पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दी है दोनों, और जो क्वेश्चन है जो अभी मैं अपलोड कर दूंगा।